तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में। और याद रखें कि आज हम ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज में लेके आए हैं फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी के यूज़ के द्वारा, और जिसमें हम आपको 5 स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल देने वाले हैं और ये 5 एग्जाम्पल आप ईजिली समझ पाएंगे। और याद रखें कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यह चीज़ें अगर आप जान जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे 5 स्ट्रक्चर टोटल और किस तरह से आप 5 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर यस नो टाइप होता है, फिर हम इसको WH भी कहते हैं। इसको मैंने कुछ वीडियो में जो है यू नो ओवरऑल व्हाट टाइप आप काउंट किया है, और इसको जो है हमने वाई टाइप काउंट किया है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हमने अपने हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपली गाइज विल बी और शैल बी का यूज हम तभी करते हैं जब बाय द वे ऐसी कंडीशन हमको मिले कि कोई भी सेंटेंस है उसमें अंत में जो है गा गे गी हो रहा है, और या फिर एक प्रकार से जो है उस वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो स्थिति है इस सेंटेंस की, फीलिंग जो है वह आपकी भविष्य में बनी रहेगी, तो उस स्थिति में जो है हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। यह बात को याद रखिएगा। और साथ में हम सबसे पहले यहाँ पे इन चीज़ को क्लियर करा दें और उसके बाद में हम आपको आगे एग्जांपल दिखा दें। तो देखिए ये है आपका असर्टिव सेंटेंस क्या है या फिर अफर्मेटिव, शॉर्ट में मैंने AFF ही लिखा है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, और उसके बाद में नाउन हो या एडजेक्टिव हो उसको हम रख लेते हैं। याद रखिएगा ये जो विल बी शैल बी है इसको आप ऑलरेडी जानते हैं कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने इसी को यहाँ पे शॉर्ट में एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, शॉर्ट में एच वी, और उसी को हमने यहाँ पे इस तरह से भी शो किया हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे चाहे विल बी या शैल बी। उसके बाद में निगेटिव में आप देखेंगे सब्जेक्ट रहेगा पहले ही, फिर विल बी या शैल बी जो भी आप लगाएंगे उसके दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे या नो का, जो भी जरूरत के हिसाब से यूज होता है। और उसके बाद में हम फिर वही अपना नाउन रखेंगे और जो भी है एडजेक्टिव वगैरह उसको आगे रखेंगे। और अगला हमारा है यस नो टाइप का, हिंदी में जिसमें सबसे पहले क्या आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम सब्जेक्ट के हिसाब से विल बी या शैल बी रखेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। फिर हमारा नाउन या एडजेक्टिव जो भी है उसे रखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, राइट। अगला हमारा WH वाला है या फिर हम इसे वाई टाइप भी कहते हैं। तो WH में क्या होता है कि इसमें क्या हिंदी में सबसे पहले नहीं होता है, कोई और वर्ड लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल अभी आप देखेंगे समझ जाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रख लेते हैं, ठीक है। क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, और उसके बाद सेम यही फार्मूला यही स्ट्रक्चर आप आगे रख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक 5वें प्रकार का जो स्ट्रक्चर है इसमें गाइज अगर बाय द वे ऐसा कोई इंट्रोगेटिव आ जाए फिर या ऐसा आ जाए और साथ में नहीं भी लगा हुआ है हिंदी में मान लीजिए, तो हमको क्या करना होता है कि सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा चाहे यही स्ट्रक्चर रहेगा जिस भी आधार पर रहे, उसमें हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, बस इतना काम आपको करना है। बाकी अदर स्थिति इसके हिसाब से या इसके हिसाब से हम इसको रख देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया 5वां स्ट्रक्चर जिसके द्वारा आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाए जो है ये चीज़ें समझने के बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सेंटेंस है कि मैं खुश रहूँगा, तो यहाँ जो खुश रहने की स्थिति है वह फ्यूचर टाइम में बरकरार रहेगी, इस वजह से हम यहाँ पे जो है आई के साथ में शैल बी का प्रयोग कर रहे हैं, तो अंग्रेजी बन गया आई शैल बी हैप्पी, ओके। अगला हमारा निगेटिव सेंटेंस है कि वह तैयार नहीं रहेगा, तो
तो हमने वह के हिसाब से विल बी का प्रयोग कर लिया, और देखा आपने कि विल और बी के बीच में हमने नॉट का प्रयोग कर लिया, तो अंग्रेजी बन गया ही विल नॉट बी रेडी। ओके, अब अगला हमारा सेंटेंस आता है कि क्या राजू बीमार रहेगा। यहाँ भी एक ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी फीलिंग है कि जो राजू की बीमार होने की स्थिति रहेगी वो फ्यूचर में बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, उसके लिए हमने क्या लगा के क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए यही आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसमें क्या हिंदी में सबसे पहले आ जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, राजू के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से विल बी या शैल बी के बीच में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर हमने आगे जो हमारा वर्ब है या फिर एडजेक्टिव या नाउन है उसको रख लिया है। राइट, तो ये तो हो गया आपका तीसरे प्रकार का। अब हम यहाँ पे चौथे प्रकार का एग्जांपल ले लेंगे। चौथा एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तुम कहाँ रहोगे। तो एक प्रकार से इसमें यह क्वेश्चन वर्ड है जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या नहीं है, तो यही आपका चौथे प्रकार का होगा जिसे हम WH या फिर ओवरऑल वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बाहर रख लेते हैं, फिर विल बी या शैल बी जो भी है उसके बीच में हम सब्जेक्ट रखेंगे, और फिर हमारा यह एक प्रकार का कम्प्लीमेंट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका चार प्रकार का सेंटेंस। ठीक है, पांचवा और लास्ट प्रकार का हम आपको बता दें जिसमें क्या या फिर इस कैटेगरी में नहीं भी आ जाए, तो उसमें एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे यह आपका पांचवा प्रकार क्या है कि राजू नेता क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड भी आ गया और साथ में नहीं भी आ गया है। तो हम क्या किए हुए हैं कि हमने जो भी स्ट्रक्चर इसमें लगता है वाई टाइप वाला, उसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड को हमने बाहर कर लिया, फिर विल बी जो है उसके बीच में हमें सब्जेक्ट भी रखना और नॉट भी। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, नॉट सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, उसके बाद में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी एडजेक्टिव या नाउन है उसे हम आगे रख देंगे। ठीक है, तो गाइस ये पांचों स्थिति के हिसाब से आप इस तरह के आने वाले कोई भी सेंटेंस जिसमें फीलिंग में कोई स्थिति बरकरार रहे फ्यूचर में, तो उसमें हम हमेशा इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और विल बी शैल बी का यूज करके हम सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो यह टोटल आपका बाय द वे इस पूरे यूज का डिटेल हुआ, और आई एम श्योर कि आपको इसके द्वारा काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और कंटिन्यू जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कंटिन्यू हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अगला वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे, और बराबर आप वीडियो को देखें और प्रैक्टिस में लाएं इसको। आप श्योरली अंग्रेजी जल्द से जल्द बोलना अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, और साथ में अगर आप किसी ग्रामर की तैयारी करना चाहें जैसे हिंदी व्याकरण हो गया या फिर आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, तो इसकी प्रॉपर जानकारी के लिए, बहुत ही विधिवत जानकारी के लिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर टच करके आप हमारे ग्रामर के चैनल को भी देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छी जानकारी दी जाती है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।